फील हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सादा सादा कुछ बातें जो बच्चों के साथ की जा सकती है वो। एक बात तो ये कि आज से दो दिन पहले जब 14 अगस्त, वहां पर भी एक फिक्रा मैंने कहा था कि आज स्टेज पे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स बच्चियां थी, लड़कियां थी, और ये इस बात की गमाज है कि अल्लाह करेगा कि हमारी मुश्किल के दिन गुजर गए हैं। जिस कौम की बेटियां, बहनें, कॉलेज की बच्चियां हैं, थोड़ी सी छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूं। हम आप चूँकि आप लोग भी सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल करते होंगे, तो हमारे यहां पर अब ये कल्चर बन गया है के बारे में एक फिक्रा कहते हुए मेरी भी सारी ज़िंदगी गुजर गई कि मुल्क बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि याद रखें कि मुल्कों की तारीख में 75 साल बहुत छोटा वक्त है। पहले हमने इसी जगहों पे 300 साल गुलामी की ज़िंदगी बसर की, हमारे रवैये तब्दील हो गए। मैं छोटी सी एक बात बच्चों के लिए शेयर करना चाहूँगा कि आज आपका ये फड़ा हुआ हाल, जितने बच्चियाँ इस कॉलेज पे हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ रही हैं, एक छोटी सी फिगर कि जब अंग्रेज़ की हुकूमत आ गई और मुगल अक्सर किला करके क्या होती है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, लेकिन किसी कृष्ण का बोधा यहाँ पे इस दफ्तर पे मैं बैठता हूँ, आप उससे अंदाजा लगाएं कि 2111 मुख्तलिफ जगहों पे हम भी देखते हैं कि इसी मुल्क में जिस जगह पे जिस शहर है क्वालिटी टावर कहते हैं उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है अरफा क्लीन टावर। तो देखें कि 9 साल की बच्ची ने दुनिया में पहली सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसकी फीमेल फाइटर पायलट मरियम मुख्तार कॉम्बैट में शहीद थी, एक लंबी थी। तो आप लोगों को ये जगहों पर जिक्र होता है कि हमारी पिछली जनरेशन से पिछली जनरेशन ने गुलामी की ज़िंदगी गुजारी थी। एक छोटी सी बात करके मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि जब मुसलमान तालीम में पीछे रह गए तो एक अंग्रेज़ मौरख लिखता है कि मुसलमान घरानों के बच्चे हो रहा है तो इसका शुक्र अदा करें और इसकी कदर करें, इसको कभी भी बुरा मत लें। थैंक यू सो मच। जो NGO से ताल्लुक़ रखती हैं उन्होंने कहा कि हम जो कुछ खुद कर सकते हैं वो करें, लेकिन आज मैं डीसी साहब से, ये प्रिंसिपल भी हैं, हमारी मेंबर भी हैं, आप इस जितना अंदाज़ा हुआ है और उनकी सबसे बड़ा तो हम चाहेंगे कि इस हाल को एक कंडीशन किया जाए, और हमारी जो प्रिंसिपल हैं मैं चाहूँगी कि वो भी अपने ख्याल का इजहार करें और बड़ी आपके सामने कॉल करके कहा है पंखे जरूर लगवा दें, लेकिन अगर मुमकिन हो, चूंकि हमारे पास एक हेड पे पैसे आते हैं जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम मुझे एक ऑफिशियल दरखास्त भेज देंगी। यहाँ पे जो हमारी बड़ी फैक्ट्रियां हैं OGDCL की है या फौजी की है, उनको मैं रिक्वेस्ट करके हम इसके AC जरूर लगवा देंगे, लेकिन हमारी मैडम प्रिंसिपल की होगी कि वो उनको फंक्शनल ऑपरेशनल रखेंगे, लेकिन सिर्फ उन दिनों पे जब इतने रफ होगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड वो साथ साथ बेटा आगे ना, आगे ना, तुझसे मानूं ना।
सर एक मिनट जरा, ठीक पानी पानी दे रहा था। दुआ भी करेंगे मैडम सर, दुआ सर इस तरफ देख के दुआ। सब पे जब डिप्टी कमिश्नर्स किसी तकरीब में जाते हैं तो वहां पे बूढ़े बूढ़े लोग मौजूद होते हैं।